दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पारिस्थितिकी। देखिए, पारिस्थितिकी की जो उत्पत्ति है वो एक शब्द है ओकियोलॉजी, और ये ओकियोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस से और लोगस से। और ये जो दोनों वर्ड हैं ये किसके, ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। ओइकस का मतलब होता है वास स्थान और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। इस प्रकार से अगर इन दोनों वर्डों को मिलाकर हम देखें तो किसी स्थान का अध्ययन करना मतलब रहने, जो वास स्थान है, रहने के स्थान का है, उसका उस अध्ययन करना। ठीक है, जो हम लोगों के रहने या जंतुओं के रहने का स्थान है उसके बारे में अध्ययन करना। देखिए, अर्नेस्ट हैकल एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। परिभाषा अगर हम देखें तो वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब वातावरण में जो जीव होते हैं, उन जीवों का समुदाय होता है, तो वातावरण और जीवों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। ये परिभाषा यूजीन ओडम के द्वारा दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो एजी टांसले के द्वारा किया गया 1935 में। एजी टांसले, आर्थर जॉर्ज टांसले इनका पूरा नाम है। देखिए, इनके अनुसार क्या परिभाषा थी कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो रचना होती है वो जैविक और अजैविक घटकों से होती है, और यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिर में होता है। यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा है। आइए इसके विशेषताओं के बारे में देखते हैं। देखिए, परिभाषा में एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो इसकी विशेषता भी हैं। ठीक है, तो विशेषता में देखिए, पारितंत्र स्वयं प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। ये प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इनमें पदार्थों एवं ऊर्जा का निवेश सतत रूप से होता है। मतलब पदार्थों और ऊर्जा का जो निवेश होता है वो लगातार होता रहता है, सतत रूप से होता है। और तीसरा, यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का होता है। तो ये पॉइंट आपका परिभाषा से लिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख संचालक ऊर्जा और सौर ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसमें जो संचालक ऊर्जा होती है मेन रूप से वो कौन सी होती है? सौर ऊर्जा। ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी विशेषता हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं। देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो इसकी दो शाखाएं हैं। पहला है स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। अब समुदाय पारिस्थितिकी जो है वो तीन उपखंडों में विभाजित किया गया है, आबादी पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, स्वयं पारिस्थितिकी क्या है? स्वयं पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होता है? इसके अध्ययन की मूलभूत इकाई, जो अध्ययन की मूलभूत इकाई है वो एकाकी प्रजाति होती है। ठीक है, अध्ययन की मूलभूत इकाई क्या है इसकी? एकाकी प्रजाति है। अब इस प्रजाति में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपके विशेष पौधे हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, विशेष प्रकार के जंतु हो सकती हैं, जंतु हो सकते हैं, और यह विशेष जाति हो सकती हैं। और वातावरण, वातावरण
वातावरण में क्या किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए उतना अच्छा लिख नहीं पा रहा है। देखिए तो स्वयं पारिस्थितिकी में अंतर्गत क्या होता है कि अध्ययन की मूलभूत इकाई इसमें क्या होती है, एकाकी प्रजाति होती है। इसमें एक विशेष प्रकार के पौधे या जंतु या एक विशेष जाति का वातावरण, इन सब का वातावरण और उनके संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये स्वयं पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। अब देखिए समुदाय पारिस्थितिकी, तो समुदाय पारिस्थितिकी में क्या होता है, समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर, ये मान लीजिए कोई स्थान है, एक ही स्थान पर समस्त पादप और जंतु, पादप और समस्त पादप और जंतु समुदायों का, क्योंकि यह समुदाय है तो इसमें एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के पादप और जंतु समुदायों का उनके पर्यावरण के साथ और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, है नहीं? तो इस मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक विशेष प्रकार है तो इसमें पादप भी होते हैं और इसमें जंतु समुदाय भी होते हैं, पादप समुदाय जंतु समुदाय, तो इनका वातावरण के साथ अध्ययन का वातावरण और उनके वातावरण के साथ जो संबंध है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब समुदाय पारिस्थितिकी को तीन उपखंडों में विभाजित किया गया है, आबादी पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत। देखिए आबादी पारिस्थितिकी क्या होती है, इसके अंतर्गत किसी एक ही स्थान पर आबादी पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत किसी एक ही स्थान पर पादप या जंतु विशेष के सभी सदस्यों द्वारा, पादप या जंतु विशेष, पादप और जंतु दो ही होते ही हैं, ठीक है, तो पादप और जंतु, पादप और जंतु विशेष या पादप या जंतु जाति विशेष के सभी सदस्यों द्वारा बनाई गई आबादी, इनके द्वारा जो आबादी बनाई जाती है, इनके द्वारा क्या बनाई जाती है, आबादी, इनके द्वारा एक आबादी बनाई जाती है और फिर इनका वातावरण, वातावरण के साथ संबंध कैसा है, इनका वातावरण के साथ संबंध कहता है कैसा है और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हुआ, इसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप या जंतु विशेष के सभी सदस्यों द्वारा बनाई गई आबादी तथा इसके वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो समुदाय पारिस्थितिकी, अब समुदाय पारिस्थितिकी तो आपने इसके अंतर्गत समझ ही लिया है, आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत जीवी एवं अजीवी जीवी और अजीवी, जीवी और अजीवी घटकों के आपसी संबंध, इनमें जो संबंध है, आप इनका जो संबंध है, जीवी और अजीवी घटकों में जो संबंध है तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, तत्वों के चक्री तथा खाद्य जाल आदि का पठन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आवास के आधार पर, आवास के आधार पर अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये जलीय
स्पार्सकी होता है, आवाज के आधार पर जो है जलीय पारिस्थितिकी होता है, ठीक है, नंबर एक। फिर स्थलीय पारिस्थितिकी होता है, फिर, ठीक है, तो ये दोनों आपके होते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे कर लें इसको। देखिए जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत कौन कौन सी पारिस्थितिकी आती है? स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी आती है, समुद्र जल की पारिस्थितिकी आती है, क्योंकि ये जलीय है तो जल की पारिस्थितिकी आएगी। स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपका घास स्थल है, ठीक है, मरुस्थल पारिस्थितिकी है, फसल स्थल पारिस्थितिकी हो और वन पारिस्थितिकी है। अभी आगे चैप्टर्स में, आगे लेक्चर जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। ओके, अभी आप लोग केवल इतना ही समझिए कि आवास के आधार पर जलीय पारिस्थितिकी और घास स्थल पारिस्थितिकी दो इसके प्रकार हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ठीक है, इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अब देखिए अजैविक घटक जो है वो अकार्बनिक, तीन प्रकार का है, इसमें तीन आते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक आता है। देखिए अकार्बनिक के अंतर्गत जल, लवण, गैसें, ये सब चीज़ें आते हैं। कार्बनिक के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया, ह्यूमस। भौतिक के अंतर्गत आपका प्रकाश है, तापमान है, हवा है, वायुमंडलीय है और आर्द्रता है। अब जैविक घटक के अंतर्गत आपके तीन आते हैं, उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक आता है। अब चूंकि मेन आपके ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो यहाँ से, इन तीनों से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं इन तीनों के बारे में, थोड़ा डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैविक घटक देखिए जैविक घटक के अंतर्गत आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीन आते हैं ना। तो देखिए उत्पादक के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, उत्पादक हैं आपके। रसायन संश्लेषित, इसमें कुछ जीवाणु भी हैं, रसायन संश्लेषित जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ, ये सब उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आपके तीन उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से पादप जगत या हरे पेड़ पौधे से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव जंतु आते हैं जो अपना पादप जगत या हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, ऊंट है, खरगोश है, मतलब ये शाकाहार होते हैं, शाकाहारी हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो जीव जंतु द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जैसे सांप है, भेड़िया है, बिल्ली है, मांसाहारी मछली है आदि। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये वे जंतु आते हैं जो प्राथमिक से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और द्वितीयक से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक से अपना, उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बाज है, ठीक है, शेर है, बाघ है, सार्क है आदि, ठीक है। इसमें अभी जब मैं आपको फूड खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपघटक क्या है। देखिए अपघटक या सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ाकर वियोजित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा वह अपना भोजन भी उन्हीं मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे आपके कवक हैं और जीवाणु हैं। मतलब ये जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे जो मृतक हो जाती हैं,
और जंतुओं को सड़ा उनको वियोजित कर देते हैं, और जो जंतु कोई मर जाता है तो उसको सड़ा गला कर ये वियोजित कर देते हैं, और इसी से अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कवक है और जीवाणु है। और एक इम्पॉर्टेंट है, अब घटक को क्या कहा जाता है, प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति की सफाई करते हैं। ठीक है, प्रकृति की क्या करते हैं, सफाई करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अब देखिए पारिस्थितिकी कारक के अंतर्गत आपके क्या हैं, जलवायु कारक हैं। पारिस्थितिकी कारक के अंतर्गत आपके जलवायु कारक हैं, स्थलाकृति कारक है, मृदा कारक है और जैविक कारक है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके देख लेते हैं हम लोग। देखिए जलवायु कारक के अंतर्गत आपके प्रकाश है, इसके अंतर्गत जलवायु कारक के अंतर्गत आपका प्रकाश है, तापमान है, प्रकाश है, तापमान है, जल है, वर्षा है, वायु है, नमी है, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, और स्थलाकृतिक कारक के अंतर्गत क्या आ जाती है, देखिए स्थल कृतिक कारक के अंतर्गत आपका स्थल की ऊंचाई जाती है, और ढलान, ढलान क्या जाती है, ढलान। ठीक है, तो ये आते हैं। अब देखिए मृदा मृदा कारक के अंतर्गत आपका क्या आता है, इसके अंतर्गत मृदा जीव आते हैं, मृदा जीव, मृदा वायु आती है, मृदा वायु आती है, मृदा जल आता है, मृदा जल आता है। ठीक है, और मृदा अभिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मृदा कारक के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए जैविक कारक के अंतर्गत इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, कैसे, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, सहजीविता, परजीविता, मृतोपजीविता, कीटभक्षी पौधे आते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, जैविक कारक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।